बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे फर्स्ट एडिटोरियल का नाम है नेशन बिल्डिंग एंड्स। जैसा कि हम जानते हैं, पिछली कई दहाइयों से जो अमेरिका है वो अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है दूसरे मुमालिक में ऑपरेशन के लिए, लेकिन अब जो मिस्टर बाइडेन हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि जो इरा था मिलिट्री ऑपरेशंस का, फ़ोर्स को इस्तेमाल करने का जो दौर था वो ख़त्म हो चुका है। तो अगर तो ये अपने अल्फाज पे कायम रहते हैं तो ये यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है, अमेरिकन खारजा पॉलिसी है, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। देखते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग कॉस्टली मिशन इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में एक तवील और महंगे मिशन के बाद एंड अ लार्जली क्योटिक विदड्रॉल और बहुत ज़्यादा इंतशार अगेंस्ट विदड्रॉल के बाद डेट सीम टू रिवाइव द गोस्ट ऑफ सैगॉन, ऐसा विदड्रॉल जो कि नज़र आता है साइगोन के भूतों को कोई ताज़ा करते हुए, यूएस प्रेसिडेंट बिडेन स्पोक टू हिज नेशन अर्लियर दिस वीक, इस हफ्ते के शुरू में जो बिडेन ने अपनी कौम से खताब करते हुए खताब किया, रिफ्लेक्टिंग ऑन द अफगान सिचुएशन इन पर्टिकुलर, ख़ास तौर पर उन्होंने अफगान सिचुएशन पे जो है वो जोर दिया, एंड अमेरिकाज रोल एज ग्लोबल पुलिसमैन इन जनरल, और जनरली अमूमी तौर पर अमेरिकन पुलिसमैन के आलमी किरदार को जो है वो उन्होंने रिफ्लेक्ट किया। उन्होंने कहा, इट वाज टाइम टू एंड दिस वार, ये टाइम है, वक्त है इस जंग को ख़त्म करने का, सेट मिस्टर बाइडेन। वाइल एडिंग डेट, उन्होंने मज़ीद ये भी कहा, इरा ऑफ मेजर मिलिट्री ऑपरेशन टू रीमेक अदर कंट्रीज वाज ओवर, दूसरी जो मिलिट्री ऑपरेशन है दूसरे कंट्रीज़ को रीमेक करने का, दोबारा बनाने का, वो ख़त्म हो चुका है। शुड द अमेरिकन लीडर्स स्टिक टू हिज वर्ड्स, अगर अमेरिकन लीडर्स अपने अल्फाज पे कायम रहते हैं, दिस वुड मीन, इसका मतलब होगा अ मेजर वेलकम शिफ्ट इन यूएस फॉरेन पॉलिसी। तो ये अमेरिकन खारजा पॉलिसी में एक बहुत बड़ा और खुश आयन जो है वो शिफ्ट होगी, तब्दीली होगी। एंडिंग एन इरा ऑफ यूनिलैटरलिज्म, वन साइडेड इरा का अहतमाम, एक ऐसा इरा विच सा वाशिंगटन मिलिट्री मशीन, के वाशिंगटन की जो मिलिट्री थी इसने ब्रेक किया, रीमेक किया, दोबारा बनाया, एंड ट्राई टू सेव नेशंस, और कोशिश की अकवाम को महफूज करने की फ्रॉम यूएस शोर्स, फार फ्रॉम यूएस शोर्स, अमेरिका के साहिलों से दूर। रादर देन प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी जमहूरियत और इंसानी हकूक को प्रमोट करने की बजाय, अमेरिकाज़ फॉरन मिलिट्री फोरेज हैड मोर इन कॉमन विद द प्रीडेटरी रेड्स ऑफ द एज ऑफ एम्पायर, एम्पायर के ज़माने में जो रेड्स हुआ करती थी, ये इनके जो अमेरिका के ये जो गैर मुल्की फॉरन मिलिट्री हमले थे, फ़ौज के हमले थे, ये उनसे ज़्यादा मुश्तरक थे, उन रेड्स से ज़्यादा मुश्तरक थे। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका की गैर मुल्की मिलिट्री के हमले थे ना, ये उन जो एम्पायर के ज़माने में रेड्स हुआ करती थी उनके साथ ये कॉमन थे, मुश्तरक थे, बजाय इसके कि इन्होंने डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया हो। अफगानिस्तान ऑफ कोर्स वाज नॉट मिस्टर बिडेन्स वार, अफगानिस्तान जो है वो मिस्टर बिडेन की जंग नहीं है, एंड इट वाज हिज प्रीडिसेसर, और ये इसके प्रीडिसेसर थे, इनके पहले प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, हु पेव्ड द वे फॉर द अमेरिकन विदड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, जिन्होंने अफगानिस्तान से अमरीका के विदड्रॉल के लिए राह हमवार की, बाय साइनिंग अ पीस ट्रीटी विद द तालिबान इन दोहा लास्ट ईयर, पिछले साल दोहा में तालिबान के साथ अमन ट्रीटी साइन करके। अमेरिकाज़ रिकॉर्ड ऑन द नेशन बिल्डिंग फ्रंट हैज़ बीन एन अपालिंग वन, अमेरिका का जो रिकॉर्ड है कौमी तमीर को लेके वो हॉरिफिक है, होलनाक है, खौफनाक है। द अफगान मिशन विच बिगेन टू डिकेड्स अगो इन द आफ्टर मैथ ऑफ 9/11 इवेंट्स, 9/11 के इवेंट्स के बाद दो दहाइयों पहले जो अफगान मिशन शुरू हुआ था, टुडे हैज़ कंक्लूडेड, वो आज ख़त्म हुआ, विद पावर बींग हैंडेड बैक टू द तालिबान, तालिबान को वापस जो है वो पावर देने के साथ। ड्यूरिंग हिज रिसेंट एड्रेस, अपने हालिया खताब में, मिस्टर बिडेन डिड नॉट हैव काइंड वर्ड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इन काबुल, एडमिनिस्ट्रेशन काबुल में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिस्टर बिडेन के अल्फाज जो हैं वो मेहरबान नहीं थे, काइंड नहीं थे, यहाँ अशरफ गनी की हुकूमत की बात हो रही है। डैट हिज कंट्री, वो एडमिनिस्ट्रेशन जिसको इनके मुल्क ने एंड अदर वेस्टर्न स्टेट्स और दूसरी मगरबी रियासतों ने हैड लॉन्ग सपोर्टेड, लंबे अरसे से जो है वो इनकी हमायत की थी। सेइंग डैट, उन्होंने कहा, अफगान प्रेसिडेंट हैड फ्लेड, अफगान प्रेसिडेंट भाग गए एमिड करप्शन एंड मेलफिसेंस, मिसकंडक्ट और करप्शन के दरमियान।
आफ्टर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद द हाईली डुबियस डिसीजन बाय द बुश एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से बहुत ज़्यादा डाउटफुल डिसीजन टू टॉपल सदाम हुसैन इन इराक, सदाम हुसैन की हुकूमत को ड्रॉप करने के लिए इराक में डिवास्टेटेड द अरब कंट्री, तो कहता है इस डिसीजन ने अरब कंट्री को तबाह कर दिया, अनलीशिंग सेक्टेरियन एंड एथनिक डेमन्स, और इन्होंने रिलीज़ किया फ़िरका वराना और नस्ली बदरूहों को, एंड हेल्पिंग गिव बर्थ टू द मॉन्स्टर नोन एज ISI, और ISI जैसी बीस्ट को जो है वो पैदा होने में मदद दी। ISI जो कि मिलिट्री ग्रुप है और दाइश के नाम से भी जाना जाता है। सदाम हुसैन वाज़ अ ब्रूटल डिक्टेटर, सदाम हुसैन जालिम डिक्टेटर था, बट फॉलोड आफ्टर हिज रिमूवल बाय आउटसाइडर्स, लेकिन उनके रिमूवल के बाद जो भी वहाँ हुआ हैज़ बीन नथिंग टू चीयर अबाउट, तो वो भी जो है वो काबिले तारीफ या खुश कर देने वाला नहीं था। देयर आफ्टर इसके बाद नोबल पीस प्राइज़ विनर बराक ओबामा एंड हिज नेटो अलाइज, जो बराक ओबामा हैं और उनके जो नेटो इतिहादी थे, वर इंस्ट्रूमेंटल हेल्पफुल थे इन मोबिलाइजिंग एन अरे ऑफ फोर्सेस को एक्टिवेट करने में टू गेट रिड ऑफ सीरियन स्ट्रॉन्गमैन बशर अल असद से छुटकारा हासिल करने के लिए, और इसके साथ साथ लीबिया के जो मुमार कजाफी थे उनको रिमूव करने के लिए इन्होंने, ये हेल्पफुल थे नेटो इतिहादी और बराक ओबामा फोर्सेस को एक्टिवेट करने में, मोबिलाइज करने में। टुडे आज सीरिया एंड लीबिया आर स्टिल टॉर्न अपार्ट बाय एथनिक सेक्टेरियन एंड ट्राइबल डिवीजन्स, आज सीरिया जो है वो डैमेज्ड है, डिवाइडेड है नस्ली फ़िरका वराना और कबायली तकसीम की वजह से, वाइल मिस्टर असद रिमेन्स इन पावर, जबकि मिस्टर असद जो हैं वो पावर में रहते हैं। तो ये वो अब बताएगा कि इससे हमें क्या सबक सीखना चाहिए। द लेसन टू बी लर्न हेयर इज़ डैट, इससे हमें सबक सीखने के लिए यहाँ ये है, डैट नेशन बिल्डिंग एंड सिविलाइजिंग मिशंस आर अ बैड आइडिया, ये बुरा आइडिया है कि कौमी तमीर और जो सिविलाइजेशन है उसके जो मिशंस हैं ये बैड आइडियाज़ हैं। डेमोक्रेसी एंड द प्रोमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जमहूरियत और फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन, तहफ़ और प्रोमोशन आर ऑर्गेनिक प्रोसेसेस, ये इंटरनल प्रोसेस है, ऑर्गेनिक होता है कि आपका अंदरूनी जो है वो मसला है। डेट कैन नॉट बी इम्पोर्टेड थ्रू एक्सटर्नल फोर्सेज, जिसको एक्सटर्नल बाहर की फोर्सेज के ज़रिए दरामद नहीं किया जा सकता, इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता, और वोरस और इससे भी बदतरीन इसको डिलीवर नहीं किया जा सकता F-16 और बैटल टैंक्स के ज़रिए। इंस्टेड ऑफ फ्लैक्सिंग इट्स कंसिडरेबल मिलिट्री मसल टू स्प्रेड डेमोक्रेसी इन इम्पीरियल फैशन, ये शाही दौर में डेमोक्रेसी को फैलाने के लिए अपनी मिलिट्री मसल को फ्लैक्स करने की बजाय, द US कैन गिव मोरल सपोर्ट, US जो है वो इखलाकी सपोर्ट दे सकता है टू फॉरेन मूवमेंट्स, गैर मुल्की मूवमेंट्स को जो कि काम कर रही हैं रिप्रेजेंटेटिव रूल के लिए, इवन इफ़ दीज मूवमेंट्स आर अगेंस्ट अथॉरिटेरियन अलाइज, अगरचा ये मूवमेंट्स जो हैं वो आमराना इतिहादियों के खिलाफ ही क्यों ना हो। अथॉरिटेरियंस होते हैं जिसमें रूल होगा, जिसमें जो है वो अथॉरिटीज़ की बात मानी जाएगी और वो पब्लिक को जो है वो जवाब देनी होंगे। जो कह रहा है कि मिलिट्री का इस्तेमाल करने की बजाय US को चाहिए कि वो मोरल सपोर्ट दे उन ममालिक को जो कि रिप्रेजेंटेटिव रूल्स के लिए काम कर रहे हैं। दिस विल प्रूव, और ये अगर जो सपोर्ट देते हैं तो ये साबित करेगा वाशिंगटन की कमिटमेंट को, अज़म को टू द रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी के हवाले से जो भी उनकी कमिटमेंट है उसको। इफ़ मिस्टर बिडन स्टिक टू हिज डिसीजन, अगर मिस्टर बिडन अपने डिसीजन पर, फैसले पर कायम रहते हैं, द US कैन प्ले अ मोर पॉजिटिव रोल इन कमिटी ऑफ नेशंस, तो US अमेरिका ज़्यादा मस्बत किरदार अदा कर सकता है अक़वाम की सॉलिडेरिटी में। Instead of repeating the costly mistakes of the past several decades, पिछली कई दहाइयों की जो महंगी गलतियां हैं उनको रिपीट करने की बजाय। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा न्यू पॉलिटिकल पार्टी, जो हमारे पास थे PTM है पख्तून, आई थिंक सो पख्तून मूवमेंट है, और TI की इसका क्या एब्रिवेशन होगी, तो वो उनके MNA हैं मोहसिन डावर, उन्होंने अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना ली है जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से है। तो इसमें वो ये बता रहा है कि ये अवामी नेशनल पार्टी के लिए भी एक चैलेंज है, और जो भी KPK में दूसरी पार्टीज हैं उनके लिए चैलेंज है कि वो किस तरह से अब खुद को बेहतर करती हैं, और ये पार्टी जो है ये खुद को किस तरह से लेके चलती है, देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट लीडर्स लेड बाय MNA मोहसिन डावर की निगरानी में
पेट्रियोटिक लीडर्स का एक ग्रुप है फॉर्म्ड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनाई है कॉल्ड द नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट टू प्रोमोट व्हाट दे कॉल अ सेकुलर फेडरल डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम इन द कंट्री। मुल्क में एक गैर मजहबी वफाकी जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम को प्रमोट करने के लिए। द न्यू पार्टी कंप्राइजेस वेल नोन पॉलिटिशियंस एंड लॉयर्स, नई पार्टी में मशहूर पॉलिटिशियन सियासतदान और वकला जो है वो पर मुश्तमिल है ये नई पार्टी। सम ऑफ होम जिनमें से ज़्यादातर जिनमें से कुछ वर फॉर्मली एसोसिएटेड विद द अवामी नेशनल पार्टी, जिनमें से ज़्यादातर जो पहले अवामी नेशनल पार्टी के साथ मुंसलिक थे। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टू अनाउंस द पार्टी, पार्टी का ऐलान करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर डावर डिनाइड द परसेप्शन, मिस्टर डावर ने इस कंसेप्ट को जो है वो डिनाई किया डेट दिस मूव के इनका ये कदम या इनकी ये पार्टी जो है वुड वीकन द पीटीएम, ये पीटीएम को जो है वो वीक कर देगी। पीटीएम वो पार्टी है फ्रॉम हुज प्लेटफॉर्म, जिनके प्लेटफॉर्म से ही हैड कंटेस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट, उन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट जो है वो मुकाबला किया था एंड वोन द इलेक्शन फॉर द नेशनल असम्बली और नेशनल असम्बली के लिए इलेक्शन जीता था। ही ऑल्सो सेड डेट, उन्होंने ये भी कहा द न्यू पार्टी गिव रिप्रेजेंटेशन टू द यूथ, कि ये नई पार्टी नौजवानों को नुमाइंदगी देगी एंड फोर्स ग्रेटर यूनिटी और बहुत ज़्यादा जो है वो इतिहाद क्रिएट करेगी अमंग द ओप्रेस्ड एथनिक ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, माशरे के जो मजलूम नस्ली ग्रुप्स हैं उनके दरमियान इतिहाद पैदा करेगी। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जो जमहूरी माशरे में द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सियासी पार्टी बनाना इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स, शहरियों का बुनियादी हकूक है एंड देयर फॉर द एनडीएम डिजर्व्स टू बी वेलकम्ड एज द लेटेस्ट एडिशन टू अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पार्टीज इन पाकिस्तान। अब चूँकि ये उनका फंडामेंटल राइट है इसलिए एनडीएम ये डिज़र्व करती है कि उसको खुश आमदीद कहा जाए पाकिस्तान में जो पार्टीज़ की लंबी लिस्ट है उसमें एक जदीद इजाफे के तौर पर। द लीडर्स ऑफ दिस न्यू पार्टी हैव फेल्ट दैट, इस पार्टीज़ के लीडर ने ये महसूस किया वैक्यूम एग्जिस्ट अमंग द इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट के दरमियान एक वैक्यूम मौजूद है एंड दे कैन फिल इट, और वो इस खला को वैक्यूम को खाली जगह को पुर कर सकते हैं। द पार्टी शुड देयरफॉर फाइंड द स्पेस टू परसू इट्स एजेंडा, पार्टी को जगह जो है वो तलाश करनी चाहिए अपने एजेंडे को जारी रखने के लिए, परसू करने के लिए एंड प्रोवाइड एन आल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू सपोर्ट, और लोगों को सपोर्ट के लिए एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म मुहैया करना चाहिए। मैनी ऑफ द लीडर्स इन दिस न्यू पार्टी हैव हैड एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ द हाइज एंड लोज ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिक्स, इस पार्टी के जो ज़्यादा नई पार्टी के जो ज़्यादातर लीडर्स हैं उनको मुल्क की सियासत के जो नशीबो फराज हैं उनका बहुत ज़्यादा तजर्बा है एंड एक्सपोज अ क्लैरिटी इन देयर बिलीव्स, और उनके अकायद में जो है वो वजाहत है। हाउ एवर ताहम एन एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रीक रन थ्रू देयर पॉलिटिक्स, इनकी सियासत के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो स्ट्रीक है वो चलती है एंड ऑफन दे हैव फाउंड देमसेल्व मार्जिनलाइज्ड, और उन्होंने जो है वो ख़ुद को महसूस किया कि उन्हें जो है वो एक तरफ कर दिया गया है, मार्जिनलाइज कर दिया गया है फ्रॉम द मेन स्ट्रीम पोलिटिकल डिस्कोर्स, आम जो सियासी गुफ्तगू है उससे। डेट डिफाइंस पाकिस्तान पॉलिटिक्स, जो कि पाकिस्तान की सियासत को डिफाइन करता है, यानी कि लोग पार्टीज़ को जो है वो एक तरफ कर दिया जाता है और जो बड़ी पार्टीज़ होती हैं वही आगे होती हैं। तो कह रहा है कि उन्होंने ये महसूस किया या वो ये फाउंड उन्होंने किया कि उन्हें जो है वो महरूम कर दिया गया आम जो सियासी गुफ्तगू थी उससे। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी, ये देखना जो है वो इंटरेस्टिंग होगा, दिलचस्प होगा, वेदर दे कैन यूटिलाइज द प्लेटफॉर्म ऑफ देयर न्यू पार्टी टू एम्पलीफाई देयर पोलिटिकल आइडियोलॉजी, कि क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इस नई पार्टी के प्लेटफॉर्म को अपनी पोलिटिकल जो इनकी सियासी नज़रिया है उसको बूस्ट करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए, और फ्रेम इट इन अ मैनर, और इसको एक ऐसे तरीके से फ्रेम करते हैं डेट कैन वाइडन देयर सपोर्ट बेस, जो कि इनकी हमायत को बढ़ा सकता है। द नेचर ऑफ द पार्टी विल सून बिकम अपेरेंट, इस पार्टी की जो नेचर है वो जल्द ही वाजिया हो जाएगी एज इट स्टार्ट्स इट्स मेंबरशिप ड्राइव, जैसे ही अपनी मेंबरशिप ड्राइव शुरू करती है एंड इनिशिएट फॉर्मल इंगेजमेंट्स, और फॉर्मल इंगेजमेंट्स जो है वो शुरू करती है डैट इंक्लूड टेकिंग अ पोजिशन ऑन इशूज़,
और इन इंगेजमेंट्स में उन इश्यूज़ पर पोजीशन लेना शामिल होगा डेट मैटर टू द वोटर, जो कि वोटर्स के लिए अहम होंगी। द टाइमिंग ऑफ द पार्टीज फॉर्मेशन इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट। पार्टी फॉर्मेशन का जो वक्त है ये भी अहम है, कमिंग एज इट डज इन वेक ऑफ द तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान। ये उस वक्त आती है जब अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो कब्ज़ा कर लेते हैं, एंड इमिनेंट फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन काबुल, और काबुल में एक नई हुकूमत आती है। केपी विल बी इम्पेक्टेड बाई इवेंट्स हैपनिंग इन अफगानिस्तान। जो केपी के है वो असर अंदाज होगा, इफ़ेक्ट होगा अफगानिस्तान में होने वाले इवेंट से, एंड द NDM विल हैव टू फाइंड इट्स प्लेस विद इन द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ पोलिटिकल थिंकिंग। और NDM को जो है वो अपनी जगह तलाश करनी होगी इस बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में, इस सियासी सोच के स्पेक्ट्रम में डैट डोमिनेट्स द प्रोविंस, जो कि इस प्रोविंस पर हावी है। द ANP एंड अदर पार्टीज़ इन द प्रोविंस नाउ हैव अ न्यू राइवल, अवामी नेशनल पार्टी, और इस सूबे में जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनके लिए अब ये एक नया राइवल है, हरीफ है, दुश्मन है। एंड दे टू विल नीड टू हॉन देयर पोलिटिकल पोजिशनिंग, और इन्हें भी जो है वो अपनी जो इनकी सियासी पोजिशन है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी, फॉर फियर ऑफ बींग आउट फ्लैंक बाय द NDM, NDM की जानिब से जो है वो डिफ़ीट होने के खौफ की वजह से। फॉर द वोटर्स, वोटर्स के लिए हैविंग मोर चॉइस इज़ ऑलवेज बेटर, ज़्यादा चॉइस होना हमेशा बेहतर होता है। तो अब देखते हैं कि ये पार्टी किस तरह से काम करती है और ये अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आगे लेके चलती है या नहीं। लास्ट एडिटोरियल है हमारा गिलानीज़ डेथ। जैसा कि हम जानते हैं सैयद अली गिलानी जो कि कश्मीर की आज़ादी के लिए फ्रीडम फाइटर थे, उनकी जो है वो कल डेथ हो गई है। ये उनके ट्रिब्यूट में भी लिखा गया है और इस एडिटोरियल में उनके स्टांस को वाज़ह किया गया है कि वो क्या चाहते थे। सैयद अली गिलानीज़ डेथ रिमूव्स फ्राम द सीन। सैयद अली गिलानी की मौत रिमूव्स फ्राम द सीन मंजर से हटाते हुए वन ऑफ़ द कश्मीरीज मोस्ट रिस्पेक्टेड, जो कि कश्मीर के बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम एंड टेनेशियस फ्रीडम फाइटर और फोर्सफुल सख्त जो है फ्रीडम फाइटर थे, वन हु सफ़र डिकेड्स ऑफ परसिक्यूशन, वो लीडर जिन्होंने दहाइयों का जुल्म व सितम जो है वो बर्दाश्त किया सहा, बट डिड नॉट कम्प्रोमाइज़, लेकिन समझौता नहीं किया ऑन हिज कमिटमेंट टू कश्मीर्स लिबर्टी, कश्मीर की आज़ादी के हवाले से जो उनकी कमिटमेंट थी, अज़म था, उस पर समझौता नहीं किया। कंट्रोवर्शियल, उनको जो है वो मुतनाज़ा समझा जाता था, बट यूनिवर्सली रिस्पेक्टेड, लेकिन आलमी तौर पर उनकी इज्जत की जाती थी, फॉर द रिफाइनमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी की प्योरीफिकेशन नफासत की वजह से, एंड डेडिकेशन टू हिज मिशन, और अपने मिशन के साथ जो उनकी लगन थी उस वजह से। गिलानी वाज अनाथिमा टू इंडिया, इंडिया के लिए वो हेटफुल थे बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी ऑफ हिज व्यूज, अपने व्यूज की क्लैरिटी की वजह से। ही डिड नॉट एक्यूवोकेट, एंड उन्होंने कभी जो है वो मुबहम या बात नहीं की, नॉट डिड ही टेम्पोराइज, ना ही उन्होंने जो है वो अपने डिसीजंस लेने में कभी डिले की, एंड मेड हिज व्यूज क्लियर, और अपने व्यूज को उन्होंने क्लियर रखा। वेन ही डिक्लेयर्ड पब्लिकली ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर, जब कश्मीर के लोगों के बिहाफ पर उन्होंने पब्लिकली ऐलान किया वी आर पाकिस्तानीज, हम पाकिस्तानी हैं। ही वॉज इल, वो बीमार थे, एंड वॉन्टेड टू गो एब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना चाहते थे, बट एट लीस्ट वंस, लेकिन कम अज़ कम एक दफ़ा द इंडियन गवर्नमेंट डिनाइड हिम, इंडियन गवर्नमेंट ने इनकार किया अ पासपोर्ट, उन्हें पासपोर्ट देने से, बिकॉज इन द फॉर्म, क्योंकि जो फॉर्म उन्होंने फिल किया था पासपोर्ट के लिए, ही लेफ्ट द स्पेस फॉर नेशनैलिटी, उन्होंने जो नेशनैलिटी के लिए वहाँ जगह थी उसको ब्लैंक छोड़ दिया, सिंस क्योंकि ही डिड नॉट बिलीव कश्मीरीज वर इंडियंस, वो यकीन नहीं रखते थे कि जो कश्मीरीज हैं वो इंडियन थे। द US टू डिड नॉट गिव हिम अ वीज़ा फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, US ने भी उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वीज़ा नहीं दिया। His grit annoyed not only India, उनकी इस जुर्रत ने ना सिर्फ इंडिया को जो है वो नाराज़ किया, which accused him of sedition, इंडिया जिसने उन पर बगावत का इल्ज़ाम लगाया, confiscated his money, उनकी रकम को जो है वो सीज़ कर लिया, जब्त कर लिया, and kept him incarcerated for the last several years, और पिछले कई सालों से उन्होंने जो है वो कैद में रखा। इवन सम कश्मीरी लीडर्स अपोज, बट द थॉट वॉज गिलानीज़ हार्डलाइन, यहाँ तक कि कुछ कश्मीरी लीडर्स उनके मुखालिफ थे और उनका ये उनकी ये सोच थी कि जो गिलानी का व्यूव्स हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, हार्डलाइन हैं। However, the platoon that he was, वो जो है वो फाइटर थे, जिहाद करने वाले थे। गिलानी was not ambiguous about his calling, लेकिन वो अपने व्यूज़ को लेके जो है वो मुबहम नहीं थे, अनसर्टेन नहीं थे।
द कश्मीरीज ही बिलीव शुड नॉट ओनली थ्रो ऑफ द इंडियन योक. उनका ये मानना था कि कश्मीरियों को ना सिर्फ इंडियन जो जुल्म सितम है उससे निजात पा लेनी चाहिए, थ्रो ऑफ का मतलब होता है निजात पा लेना, देयर स्टेट मस्ट बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बल्कि उनकी जो रियासत है या कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए. ही स्पर्न्ड एवरी मूव बाय द ऑक्यूपाइंग पावर फॉर टॉक्स, मुज़ाकरात के लिए जो भी इस मकबूजा ताकत की इकदाम थे उनको उन्होंने जुटलाया, रिजेक्ट किया ऑक्यूपाइंग पावर यानी कि इंडिया की जानिब से, एंड इंसिस्टेड और इस चीज़ पर इसरार किया न्यू दिल्ली मस्ट फर्स्ट एडमिट कश्मीर टू बी अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, के जो न्यू दिल्ली है वो पहले कश्मीर को एक मुतनाज़ा इलाके के तौर पे इसको जो है वो एडमिट करें, एंड एग्री टू अ प्लेबिसाइट और एक जो रेफरेंडम है उसके लिए एग्री करें, एज लेट डाउन इन वेरियस यूएन रेजोल्यूशन, जैसा कि मुख्तलिफ यूएन रेजोल्यूशंस में कहा गया है. प्लेबिसाइट होता है कि रेफरेंडम कराना, अवाम की राय लेना कि वो जो है वो क्या चाहते हैं. इट वुड बी अ सेल्फ डिल्यूजनरी फॉर इंडिया टू बिलीव डैट, इंडिया के लिए ये जो है वो खुद फरेबी होगी कि वो ये यकीन करना उनके लिए खुद फरेबी होगी डैट गिलानीज डैट के गिलानी की जो मौत है विल पुट एन एंड टू द स्ट्रगल बाय द पीपल ऑफ कश्मीर फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए कश्मीर के लोगों की जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाएगी उनकी मौत की वजह से. द क्रिमिनल डिसीजन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी का मुजरमाना फैसला टू alter the status of occupied Jammu and Kashmir, Jammu and Kashmir के status को जो है वो तब्दील करने के लिए इनका मुजरिमाना फैसला has boom ranged on the हिंदुत्वा government, इसने हिंदुत्वा बीजेपी की जो government है उस को जो है वो बुखलाहट पैदा कर दी, एंड सर्व टू स्टील द कश्मीरी पीपल और कश्मीरी लोगों को इनक्रेज करने के लिए जो है वो इसने काम किया. गिलानी हैड रिपीटेडली डिक्लेयर्ड, गिलानी ने बार बार ये ऐलान किया ही वॉज नॉट इंडियाज एनिमी, वो इंडिया के दुश्मन नहीं है, डेट पाकिस्तान एंड इंडिया शुड हैव फ्रेंडली रिलेशंस, पाकिस्तान और इंडिया के जो है वो दोस्ताना ताल्लुक होने चाहिए, बट डैट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये मुमकिन नहीं था विदाउट सॉल्विंग द कश्मीर इशू, कश्मीर इशू को सॉल्व किए बगैर. A cry in the wilderness given the BJP government's hubris, जो BJP government के pride को देखते हुए उन्होंने जो है वो situation का जो है वो पॉइंट आउट किया. क्राई इन द विल्डरनेस हमारे पास idiom है जिसका मतलब होता है कि किसी भी situation में आप जो है वो ख़तरे को highlight करना या point out करना. ये थे हमारे 3 सितंबर के editorials. इंशाल्लाह हम next editorials के साथ मिलेंगे. आप comment section में अपनी suggestions ज़रूर दें ताकि मैं अपनी videos में मज़ीद बेहतरी ला सकूँ. अल्लाह हाफिज़.